हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डाइबेसिटी यानी डायबिटीज और ओवरवेट। किस तरीके से बीइंग ओवरवेट इज हार्मफुल फॉर डायबिटीज। सो अगर आपका वजन ज्यादा है तो ये आपकी बॉडी को इंसुलिन रेसिस्टेंट बना देता है, यानी यू नीड मोर इंसुलिन, देर इज एन इंसुलिन शॉर्टेज। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में पेट के आसपास सेंट्रली ज्यादा फैट डिपॉजिट है, जिसे हम विसरल फैट भी कहते हैं, सो टू मच ऑफ फैट अराउंड योर पैनक्रियाटिक सेल्स, जो सेल्स इंसुलिन बनाता है, उन्हें डैमेज कर सकते हैं एंड इसके वजह से आपको इंसुलिन शॉर्टेज हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, 110 किलो के व्यक्ति को ज्यादा इंसुलिन लगेगा एज कंपेयर टू अ 70 kg वेइंग पर्सन। देखिए, आपकी बॉडी शायद सफिशियंट इंसुलिन बना रही है फॉर दैट 70 kg पर्सन, बिकॉज दैट्स हिज आइडियल वेट। लेकिन वही अगर 40 kg हेवियर हो जाता है तो बॉडी उतने अच्छे से इंसुलिन उस एक्स्ट्रा वेट के लिए नहीं बना सकती, एंड देर इज एन इंसुलिन शॉर्टेज, एंड दैट्स हाउ इट अफेक्ट्स योर शुगर लेवल्स, या वो इंसुलिन शॉर्टेज, इंसुलिन रेसिस्टेंस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेन वी टॉक अबाउट डायबिटीज। सो मैक्स बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, इवन लूजिंग जस्ट 5 to 10% ऑफ वेट कैन गिव यू अ वेरी गुड कंट्रोल इन योर डायबिटिक लेवल। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो वेट लॉस कीजिए, बट येस, सही तरीके से कंसल्ट अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। शॉर्ट टर्म कोर्स, फैट डाइट्स प्लीज डोंट फॉलो, बिकॉज वो आपको ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।